नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम मिल रहे हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे लंगर वाली दाल। ये दाल सबने खा के देखी होगी गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो हम बनाएंगे उसी तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने कुकर में एक कटोरी दाल ली है, ये उड़द की दाल, कोई से माँ की दाल भी बोल देता है, और आधी कटोरी ली है मैंने चने की दाल। ये काली वाली दाल मैंने रात को भिगो के रख दी थी, और ये मैंने सुबह 2 घंटे पहले भिगो के रख दी। और इसमें डालेंगे हम पानी। ये पानी मैंने यहाँ पे 4-5 कप यूज़ किया है, जिसमें कि दाल अच्छी तरह से डिप हो जाए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और फ्रेंड्स, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पे डाल दिया है मैंने 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, और 1 चम्मच डाला है मैंने लहसुन बारीक काट के, और यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं देसी घी। इसमें यहाँ पे देसी घी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दाल बनाएंगे उबालेंगे तो ये सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसको 4-5 बिसलाने तक उबलने देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 बिसल आ गई हैं। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम जब इसकी गैस कर दी है कुकर की, तो हम इसको देखेंगे, खोल के देखिए हमारी दाल ऐसी पकी है। अब हम इसको धीरे धीरे मैश कर देंगे। आपके पास मैशर तो नहीं, अगर मत नहीं हो उससे, बाकी मैं चम्मच के बैक साइड से इसको हल्का हल्का मैश कर लूँगी, घोट लूँगी दाल को। यहाँ पे अब हम लगाएंगे तड़का। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। मैं यही कहूँगी कि इसके लिए देसी घी का तड़का लगाएं, उससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसमें जीरा, और 1/2 चम्मच डालूँगी हींग, और इन दोनों को हम घी के साथ भून लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा हींग और जीरा ब्राउन हो गया है। अब मैंने डाला है इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, इनको हम 3 कोने तक भून लेंगे, और इसमें डालेंगे। इसे मैंने 2 हरी मिर्च लंबी लंबी काट के डाल दी हैं। ये यहाँ पे हमने डाले हैं प्याज, इसमें बहुत ही फाइन कटिंग नहीं चाहिए, मैंने रफली काट लिए थे ये। तो यहाँ पे हम अपनी दाल को मैश कर रहे हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे प्याज हमारे भून के पिंक हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और इनको यहाँ पे इनके साथ हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और ये इसमें भून जाएंगे। यहाँ पे हमने डाल दिए हैं जो हमने 3 टमाटर काट के लिए थे, तो इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, भून लेंगे इनके साथ। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। आप ये याद रखिए कि हमने वहाँ पे दाल उबाली है, जब उसमें भी नमक डाला है तो उसी हिसाब से डालें। 2.5 चम्मच मैंने डाला है, 2 से 1.5 चम्मच ये धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, और हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से धीमे भून जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो दाल में पानी था वही चम्मच के साथ निकाल के इसमें डाल दिया है, कि हम ऊपर से वो एक्स्ट्रा पानी भी तो डालते हैं ना प्लेन वाटर, तो उसकी जगह से मैंने इसमें से दाल में से 1 चम्मच पानी ले लिया था और वो इसमें डाल दिया है। यहाँ देखिए हमारा मसाला कुक हो गया है, तेल छोड़ दिया है इसने, पूरी तरह से पक गया है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दाल इसमें डाल दें,
अच्छी तरह से सारी। फ्रेंड्स हम ये पूरे दिल से बना रहे हैं इस दाल को, लंगर वाली दाल को, पर इसका जो मज़ा वहाँ पे आता है, जो स्वाद वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान का नाम लेते लेते ये बनती है, तो उस भगवान के नाम के रस के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल रेडी है बनके। देखिए कितनी दाल गाढ़ी है, कितना थिकनेस है इसमें, ऐसी भी दाल होती है वहाँ पे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। भी ऊपर से हमने गार्निश करने के लिए हरा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है और इसे यहाँ ढक के 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दें, क्योंकि जितना पकेगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और ये हम दाल सर्व कर रहे हैं, इसको आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ